हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सलमान खान की फिल्म भारत और अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारोबार किया था। जहां एक तरफ सलमान खान की फिल्म भारत ने 211 करोड़ 7 लाख रुपए की कमाई की थी, वहीं दूसरी तरफ मिशन मंगल ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 202 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जहां बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में सलमान खान की भारत ने मिशन मंगल को पीछे छोड़ दिया था, वहीं टीवी पर भी इन फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दरअसल टीवी पर दर्शकों ने सबसे ज्यादा बार सलमान खान की फिल्म भारत को देखा है, वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर अक्षय की मिशन मंगल है। बता दें कि टीआरपी के मामले में देश की जनता ने मिशन मंगल से ज्यादा भारत को टीवी पर देखा है। इस हिसाब से देखा जाए तो सलमान खान की भारत ने अक्षय कुमार की मिशन मंगल को पटखनी दे दी है। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बात की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सलमान खान की भारत को टीवी पर अक्षय कुमार की फिल्म से ज्यादा देखा गया। सलमान की भारत का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर 20 अक्टूबर को किया गया था और मिशन मंगल 25 अक्टूबर को पहली बार टीवी पर दिखाई गई थी। बाग की तरफ से ट्विटर पर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सलमान की भारत को जहां 8.9 मिलियन लोगों ने टीवी पर देखा, वहीं अक्षय कुमार की मिशन मंगल को महज 5.6 मिलियन लोगों ने ही टीवी पर देखा है। कहना गलत नहीं होगा कि टीवी पर भी सलमान खान का ही राज बरकरार है। बता दें कि हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 रिलीज हुई है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सलमान की फिल्मों को लगातार मात दे रही है। लगता है यही वजह है कि सलमान ने फिल्म भारत के जरिए खिलाड़ी कुमार से बदला ले लिया है। वैसे बात करें दोनों ही स्टार्स के वर्क फ्रंट की, तो जहां सलमान खान जल्दी फिल्म दबंग 3 में नजर आएंगे, वहीं अक्षय कुमार फिल्म गुड न्यूज के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने आ रहे हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।